कदम पर, हर मोड़ पर, हर लड़ाई में। अब जीजा जी की कंपनी में कितना ऑर्डर आता है ये सिर्फ आप जानते हैं, और कितना ऑर्डर बाहर जाता है ये भी आप जानते हैं। अब इस आदान प्रदान के बीच में अगर हमारा 10-20% माल खप जाए तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। कमाल है ना भैया, आपकी ईमानदारी की कीमत सिर्फ 30,000 रुपए महीने है, लेकिन बेमानी से आप इतना रुपए कमा सकते हो जो जिंदगी भर मेहनत करके भी नहीं हासिल होगा। अरे ऐसा रुपया किस काम का जो आपको अपनी ही नजरों से गिरा दे। अब इस तरह चक्कर लगाने से क्या होगा, बड़ी मुश्किल से जीजा जी के ऑफिस में जाने का मौका मिला था, तुमने वहाँ जाकर ऐसा चक्कर चलाया कि खुद ही चक्कर में पड़ गए। अरे क्या जरूरत थी राजीव को सब कुछ बताने की कसम से। सच को झूठ से कैसे हराया जाता है ये हुनर मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। और रही बात उस राजीव सक्सेना की, तो उसने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है, उसे इस गलती की सजा तो देनी ही पड़ेगी। चक्कर चला के That's a brilliant idea. दान भी हो जाएगा। हाँ, वाकई तसल्ली होगी कि हमने कोई अच्छा काम किया है। That really gives me an ego high. Mom. हाँ, एक मिनट विशेष। Mom. विशेष आ गया है। अब तो बात नहीं कर सकूंगी तुमसे। Talk to you later. Bye. हाँ, बोलो क्या मॉम। वो क्या ना, मेरी बाइक की हेडलाइट उड़ गई है तो मैं गैरेज जा रहा हूँ, हेडलाइट चेंज कराने। अच्छी बात है, जाओ ना। जाओ ना मतलब मॉम, हेडलाइट ऐसे ही चेंज नहीं होती है, उसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं ना। Oh, really? हाँ, right. तो इसी बात के लिए तो आपको पॉकेट मनी दी जाती है। पॉकेट मनी? ओ माय गॉड, मेरी पॉकेट थोड़ी सी फट गई है मॉम, तो उसमें से सारे पैसे ना फिसल जाते हैं। एक काम करो विशेष, तुम अपनी पॉकेट सिल दो। मॉम आई प्रॉमिस, अगले महीने मैं अपनी पॉकेट हर जगह से सी दूंगा। बट इस महीने प्लीज मॉम। तुम नहीं सुधरोगे। आई लव यू मॉम। लव यू टू। जानते हो ना मेरे। अरे शुभम भैया, वहाँ क्या कर रहे हो? अरे पैसे गिनने नहीं चाहिए उसे। कब कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बाहर जा रहा हूँ मम्मी, क्या काम है? तुम कितने अच्छे हो ना लल्ला, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे कसम से? कर दूंगा मम्मी, क्या काम? वो गौरी है ना। हाँ? वो रोज मुझे कहती है मंदिर ले जाओ, मंदिर ले जाओ। अब मैं कहा
कहाँ लेकर उसे घूमती रहूंगी। कहाँ जा रहे हो ना, तुम ले जाओ ना कसम से। मामी एक मिनट, मैं गौरी को मंदिर ले जाऊँ। नेवर। अरे विशेष, व्हाट नेवर? ले जाओ ना, कम ऑन। ले जाओ ना मतलब, अरे मेरे सारे दोस्त हंसेंगे मुझ पर। हंसने दो, हा? किसी को भगवान के दर्शन कराने में शर्म कैसे? हाँ तो सही है। अरे मुझे देर हो रही है मामा, पता नहीं वो कब तैयार होगी, कब आएगी, मुझको देर हो चुकी है। अरे वो तो तैयार है, ले जा। अरे ये पूजा की थाली लेकर बाइक पर कैसे बैठेगी? नहीं बैठ सकती मैं फिर। हम एक हाथ से थाली पकड़ लेंगे और दूसरे से आपको। क्या बात है, कस के पकड़ियो, जे गिर गई ना तो तेरा कल्याण हो जाएगा कसम से। ले जा। जाओ। चले जी। चलिए जी। हे राम। संभाल के लेके जाना कसम से। अरे ओ गौरी, अरे मेरी जाने बहार, ये गौरी कहाँ गई है, नजर नहीं आ रही। गौरी होवेगी तो नजर आवेगी ना कसम से। कहाँ गई है? मंदिर। मैंने तुझसे कितनी बार कहा कल्याणी कि तू गौरी को अकेले कहीं मत जाने दिया कर। अरे ये शहर है शहर, गांव थोड़ी है, कहीं कुछ उल्टा सीधा चक्कर हो गया तो। कुछ ना होवेगा, गौरी तो विशेष के साथ गई है कसम से। विशेष के साथ? वो भी उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के। ये कैसे हो गया? विशेष तो उसका नाम सुनते ही गुस्सा हो जाता था चक्कर चला के। अब ना होगा क्योंकि वो गौरी को नए नाम से पुकारने लगा है कसम से। अच्छा? हाँ, गौरी ने मुझे खुद बताया कि विशेष उसे आई लाइक यू कहकर पुकारता है कसम से। अरे वाह, जिसे आज तक हम खोटा सिक्का समझते थे अब वो चलने भी लगा। चलने ना लगा है, दौड़ने लगा है कसम से। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कल्याणी। अब उस खोटे सिक्के को टकसाल में बदलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चक्कर चला के चोरी? हाँ दीना, भाभी की रखी हुई सारी ज्वेलरी चोरी हो गई जो उनके घर वालों ने दी थी। ओ नो, कितने की ज्वेलरी थी? भाभी के हिसाब से कोई 2-3 लाख रुपए की। ओ माय गॉड, 2-3 लाख की ज्वेलरी, बहुत बुरा हुआ। नहीं एक्चुअली अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? तू पागल तो नहीं हो गई है? 2-3 लाख की ज्वेलरी चोरी हो गई और तू कह रही कि अच्छा हुआ? ऐसा भाभी को लगता है कि इस ज्वेलरी की कीमत 2-3 लाख रुपए है, पर एक्चुअली उसकी कीमत सिर्फ 50,000। What? लेकिन अभी तो तूने कहा कि टीना, ऐसा भाभी को लगता है ना, पर असलियत कुछ और ही है। यार तू हमेशा कंफ्यूज मत किया कर, 2-3 लाख की ज्वेलरी 50,000 की कैसे हो सकती है? माय डियर टीना, बात यह है कि मैंने भाभी की वो ज्वेलरी चुरा कर बेच दिए और फिर ज्वेलरी बॉक्स में नकली ज्वेलरी रख दी और वही इमिटेशंस चोरी हो गए। लेकिन तूने भाभी की ज्वेलरी चुराई कब, क्यों चुराई? ज्वेलरी नहीं चुराती तो क्या करती? अरे उस रंजीत को देने के लिए इतने पैसे मैं कहाँ से लाती? तो बस मैंने भाभी की ज्वेलरी चुराई और उसकी जगह नकली ज्वेलरी रख दी। ओह तो ये बात है, इमिटेशन ही सही, 50,000 का फटका तो लगा ना। मुझे नहीं भाभी को, पर इस चोरी से मुझे तो फायदा ही हुआ है। जानती है क्या? क्या? भाभी को सारी जिंदगी ये पता ही नहीं चलेगा कि उनकी ज्वेलरी किसने चुराई। यू आर सो मीन, तेरा नाम कामिनी किसने रखा? तेरा नाम तो कमीनी होना चाहिए था, एक नंबर की कमीनी है तू।
तो मैं हूँ। गौरी कहाँ है? गौरी विशेष के साथ घूमने गई है। हाँ? विशेष भैया के साथ? Impossible। विशेष भैया गौरी के साथ घूमने फिरने गए हैं? आय हाय लली, वो तो गौरी को अपने साथ में ले जाने में शर्मा रहा था, पर तेरे मामा जी के साथ में मैंने भी चक्कर चलाना सीख लिया है। ऐसा चक्कर चलाया कि उसे गौरी को लेकर जाना ही पड़ा। ये बहुत अच्छा किया मामी, गौरी तो खुश हो जाएगी कसम से। बुआ जी। तू रो क्यों रही? रोने तो क्या करे बुआ जी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे, वो भी अकेले में। हाय हाय लल्ली, तो इसमें रोने की क्या बात है? रोने की बात तो तब होती जब वो कुछ ना करता, कसम से। रहने दीजिए बुआ जी, अगर आप हमारी जगह पर होते ना तो पता चलता, हम पर जो बीती है हम भी जानते हैं। लेकिन हुआ क्या? ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। वो हमें फटफटी पर बैठा कर मंदिर ले जाने के लिए निकले थे कि रास्ते में एक सुंदर सा बगीचा आया, वहां बीच में फव्वारा था और झूले भी थे और बाहर बर्फ के गोले भी बिखर रहे थे। लवर्स पार्क? तो वो तुझे पार्क में ले गया? नहीं बुआ जी, उन्होंने हमें गोला तक नहीं खिलाया, कहने लगे गोला खराब हो जाएगा। तो क्या, बस वो फटपटियां भगाते रहे। पर ये तो बता, उसने क्या किया? क्या बताए बुआ जी, हम आगे बढ़े तो एक बड़ा सा एक सिनेमा हॉल आया जिसमें ऋतिक रोशन की पिक्चर लगी थी। ऋतिक रोशन पोस्टर में बहुत सुंदर लग रहे थे जी। ऋतिक रोशन? धूम टू लगी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो तुझे सिनेमा दिखाने ले गया और फिर सिनेमा हॉल? नहीं बुआ जी, सिनेमा तो छोड़िए, उन्होंने हमें सिनेमा हॉल तक नहीं दिखाया, बस फटफटियां भगाते रहे। पर तू रो क्यों रही है बिल्लो? क्योंकि उन्होंने फटफटियां आगे जाकर एक सुनसान रास्ते पर मोड़ ली और हमसे कहने लगे ये साथ कटे और मैं फटफटियां। बस मेरी बिल्लो बस, अब हम समझ गए ऐसे सुनसान शॉर्टकट पे क्या होवे है कसम से। गौरी, तो तुम यहाँ हो? तो तुम्हें क्या लगा ये कहीं जाकर आत्महत्या कर लेगी कसम से? What? देखो लल्ला, जो होना था सो हो गया, अब सराफत इसी में है कि तुम इसे अपना लो। मामी अब क्या कह रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो लल्ला, हमें सब पता है, गौरी ने सब बता दिया है कि सुनसान शॉर्टकट पे तुम क्या करने गए थे कसम से। मैंने क्या किया? अरे मैं तो इसे समझा रहा था कि गौरी ठीक से पकड़ कर बैठो, मगर ये है कि कुछ समझती ही नहीं है, कभी वो सिनेमा हॉल, कभी वो मूंगफली वाला, कभी वो गोले वाला, और फिर मंदिर पहुंच कर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये बाइक पर थी ही नहीं। क्या? हाँ बुआ जी, हम यही कह रहे थे कि जब इन्होंने फटफटियां कच्ची सुनसान रास्ते पर मोड़ी तो हम गिर गए और इन्होंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं होंगे। अरे गौरी, तो तुम कम से कम आवाज तो दे सकती थी ना। हाँ, जब कोई ऐसे गिरता है ना तो आवाज भी नहीं निकलती है मुंह से, और मैं पूरे रास्ते परेशान होता रहा कि ये चलती बाइक से कहाँ चली गई। ये तो अच्छा हुआ कि इस कच्चे सुनसान रास्ते पर गिरी, वरना ये जाती भगवान के पास और मैं। इतने बड़े बड़े सपने देखे थे तूने, सारे सपनों में पानी फेर दिया। देखो ना,
मेरा पैकेट खराब है। वो तो है। यस सर, और ये ऑफर मुझे नारायण साहब ने दिया है सर। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ मिलकर आपको और आपकी इस कंपनी को नुकसान पहुंचाऊं, ताकि उनका और मेरा फायदा हो सके। तुमने क्या जवाब दिया? सर जवाब आपके सामने है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने क्या जवाब दिया होगा। नारायण, नारायण मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करेगा, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। नारायण को भेजो। नारायण साहब। हाँ बोलो। आपको बॉस ने बुलाया है। मुझे? लगता है उस सक्सेना के बच्चे ने जीजा जी को सच्चाई बता दी है। अब क्या होगा? चक्कर चला के थैंक्स राजीव, तुमने मुझे ये बता दिया, वरना तुम्हारी जगह और कोई होता तो। इट्स माई ड्यूटी सर, लेकिन ये बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई कि मैं आपकी नजरों में अपनी ईमानदारी या वफादारी साबित कर सकूं, बल्कि इसलिए बताइए कि आपको ये पता रहे कि कौन आपके साथ गद्दारी कर सकता है और कौन वफादारी। जीजा जी, आपने मुझे बुलाया? तो तुम इसलिए ऑफिस आना चाहते थे, ये था तुम्हारा मकसद? मकसद? कैसा मकसद? मैं कुछ समझा नहीं जीजा जी। क्या सोचा था तुमने कि तुम चक्कर चलाते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम इस आदमी को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देवराज चौधरी जैसा घाघ आदमी भी नहीं खरीद सका? आप गलत समझ रहे हैं जीजा जी। गलत तो मैंने तुम्हें उस वक्त समझा था नारायण, जब मैंने तुम्हें अपने घर में बना दी थी। मैंने सोचा था कि तुम सुधर जाओगे, मगर तुम कभी नहीं सुधरने वाले, कभी नहीं सुधरने वाले तुम। लेकिन जीजा जी, अब कोई लेकिन वेकिन नहीं नारायण, तुम अपनी हदें पार कर चुके हो। तुम जीजा जी, एक बार मेरी गलती तो बता दीजिए जीजा जी। गलती? गलती नहीं, तुमने पाप किया है नारायण, विश्वासघात किया है, और मेरी नजरों में विश्वासघात से बड़ा कोई पाप नहीं है। मैंने विश्वासघात किया आपके साथ? मैंने? क्या कह रहे हैं जीजा जी आप? तो क्या राजीव झूठ बोल रहा है? ये राजीव? वाह राजीव सक्सेना साहब, वाह, मान गए आप सचमुच जीजा जी के और इस कंपनी के वफादार हैं। आपकी जगह कोई और होता तो। नारायण, इसकी जगह अगर कंपनी का और कोई भी एम्प्लॉय होता तो वो यही करता, मगर तुमने जो घटिया हरकत की है वो कोई नहीं कर सकता। जीजा जी, क्या आप अब भी यही समझते हैं कि मैं राजीव सक्सेना को अपने साथ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक की आड़ में घटिया कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करने वाला था? मेरी कहां औकात, मेरी कौन सी फैक्ट्री है जहां पर मैं ये घटिया कोल्ड ड्रिंक बनाकर ये चक्कर चलाता? मेरी तो इतनी भी औकात नहीं जीजा जी कि मैं ठंडाई की बोतलों में म्युनिसिपैलिटी का पानी भर के सप्लाई कर सकूं चक्कर चला के। लेकिन आपने मुझे तो कहा था कि। वो तो मैंने आपसे झूठ बोला था सक्सेना बाबू, मेरे लगते जिगर, वो तो मैं आपको आजमा रहा था। वो तो मेहरा साहब ने ये कहकर मेरे दिल में शक पैदा कर दिया कि राजीव सक्सेना कुछ भी कर सकते, कोई पूछने वाला नहीं, तो इसलिए जीजा जी ये कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इसको। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताता जीजा जी, कैसे? अव्वल तो आप मेरी बात सुनते नहीं, और सुनते तो नाराज हो जाता कि मैं आपके वफादार पर खामखा शक कर रहा हूँ।
इसलिए मैंने सोचा जीजा जी कि अगर ये मेरा ऑफर कबूल कर लेगा जीजा जी तो मैं इसे सबूत के साथ आपके पास ले जाऊंगा। नारायण तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर लूंगा? जीजा जी आप मुझ पर क्यों विश्वास करें? मैं तो हूं ही जन्मजात कबीला, मुझे तो ये सब पहले सोचना चाहिए था। चक्कर मैं तो कुछ कर दिखाने के चक्कर में मारा गया जीजा जी। काश मैंने इस कंपनी की भलाई के लिए कुछ चक्कर न चलाया होता तो आज मैं आपके सामने मुजरिमों की तरह न खड़ा होता। अगर अब भी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, तो निकाल दीजिए मुझे अपनी कंपनी से, निकाल दीजिए अपने घर से। मेरी औकात ही क्या है जीजा जी, मैं तो आपके टुकड़ों में पल रहा हूं, टुकड़ों पर। आई एम सॉरी मिस्टर नारायण, मुझे लगा कि आप सचमुच यू नो सर, मुझे लगता है कि मिस्टर नारायण अपनी चालाकी में बेवकूफी कर बैठे। आप इन्हें माफ कर दीजिए। ओके प्लीज प्लीज ले मी अलोन। जा सकते हैं आप लोग। नारायण राजीव ने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया है, मगर मैं राजीव नहीं। याद रखना आंखों में ख्वाबों की बारात लेके होठों पे गीतों की सौगात के जज्बात लें।